हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये वीडियो है जैसे कि ब्लाउज़ के चार्ट के बारे में है। बहुत लोग बोलते हैं सर 32 साइज ब्लाउज़, उसका मतलब क्या है, यानी कि उसका हाई वेस्ट क्या है, तो वो पता नहीं है उन लोगों को। तो इसलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट है, तो इसलिए हमारा ये नया चैनल है, इसमें मैंने ब्लाउज़ का A to Z इसमें हम दे देंगे, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा कौन सा साइज़ हमारा फिट होगा, हमें पता नहीं है, हमारा बस तो इतना है। तो देखिए, जो साइज़ होता है, मैंने जो चार्ट दे रहा हूँ, इसमें सबसे पहले इस जगह में ब्लाउज़ का साइज़ होता है। तो साइज 26 से लेकर 48 तक मैं इसमें दे रहा हूँ। मानिए आप मेज़रमेंट आप ले रहे हैं, आपका मेज़रमेंट की जो हाई वास्ट होता है फ्रेंड, ये जो हाई वेस्ट होता है ब्लाउज़ में, मैंने तीनों जो जो मेन मेजरमेंट है वो मैं दे रहा हूँ, एक हाई वेस्ट, एक नॉर्मल वेस्ट और एक वेस्ट, ठीक है। तो ये तीनों का चार्ट मैं दे रहा हूँ। मानिए आपका किसी आपका जो नॉर्मल वेस्ट है वो आपने मेजरमेंट लिया है, आपने 38 लिया है, ठीक है। तो 38 आपने अगर लिया है तो वो 32 साइज होगा, ठीक है। और जो हाई वास्ट होता है वो नॉर्मली जो हाई वास्ट होता है वो 36 होता है, ठीक है। तो मानिए आपने जो मेजरमेंट ली, जो 38 आपका जो नॉर्मल वास्ट ली, तो आप सोचिएगा आपका 32 साइज होगा। और मैंने ये लिख दिया है इस जगह में, और ये क्या है, जैसे कि मैंने नॉर्मल वास्ट इस जगह में अलग अलग लिख दिया है, ये हाई वास्ट अलग लिख दिया है। देखिए, हाई वास्ट में भी हम लोग मेंशन करेंगे हाई वास्ट का, नॉर्मल वास्ट ऐसे ही रखेंगे। और मानिए किसी का जो नॉर्मल हाई वास्ट है वो 40, तो हाई वास्ट जैसे ही 40 होगा तो आप बोलेंगे 36 साइज है, ठीक है। और हाई वास्ट जो हमारे बगल के नीचे बराबर होता है, अब इस वीडियो के बाद हम दिखा देंगे किस जगह में हाई वास्ट, किस जगह में नॉर्मल वास्ट, किस जगह में वेस्ट बोलते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए, आपका अगर हाई वास्ट 40 है तो नेचुरली जो नॉर्मल वास्ट होता है वो 42 होगा, ठीक है। कभी कभी 41 भी होता है, मगर हाई वास्ट 40 ही रहता है। कभी कभी नॉर्मल वास्ट 43 भी होता है, मगर हाई वास्ट 40 होता है। तो ये जो चेंजिंग होता है नॉर्मल वास्ट का, ठीक है, तो वो सारे चेंजिंग इस जगह में मैंने दिया है। और उसी के हिसाब से कभी कभी वेस्ट, किसी का वेस्ट अगर थोड़ा सा मोटा हो तो मोटा होगा, थोड़ा सा नैरो होगा नैरो होगा, मिडिल में होगा। तो ये रेडीमेड वाला पैटर्न है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, हमने इसको एक ही साइज में हम लोग रेडीमेड में हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें सिमिलरिटी रहता है। मानिए किसी का जो हाई वास 30 में नहीं आ रहा है, वो लोग 32 पहनेंगे, यानी कि 28 साइज उन लोगों के लिए होगा। तो इसी तरह ही हम लोग जो साइज है, साइज को हम जैसे कि उनका जो चेस्ट होता है, बहुत लोग ये गलतियाँ कर देते हैं। किसी का अगर हाई वास्ट अगर 38, वो लोग बोलते हैं हमारा 38 साइज। तो देखिए, 38 अगर साइज आप लोग बोलेंगे तो 44 साइज आप लोगों को हो जाएगा। 38 आप लोग बोलेंगे तो आपका हाई वास्ट 42 होना चाहिए। ये गलती आप लोग मत करें, आप लोग हमेशा ध्यान में रहेंगे ये जो 26, 28, 30, 32, ये है ब्लाउज का साइज है। और जैसे हमारा हाई वास्ट होगा, इसी के आधार पर ये मेंशन होता है ये कौन सा साइज ये जा रहा है, क्लियर है। तो चलिए, अब मैं दिखा रहा हूँ ब्लाउज की कौन सी जगह में मैं हाई वास्ट, नॉर्मल वास्ट, वेस्ट बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को साड़ी ब्लाउज क्या है वो भी पता नहीं है। तो चलिए, मैं क्लियरली एक ब्लाउज देकर दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने ये चार्ट तो लिख लिया है, कोई परेशानी नहीं है। और ये देखिए, कागज में मैंने इस जगह में हमारा नोट है, जो किसे हम बोलते हैं हाई वास्ट, किसे नॉर्मल वास्ट, किसे लोअर वास्ट, ये सब बोलते हैं। तो चलिए, इस जगह को आप थोड़ा सा लिख लीजिए, बाद में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये है हमारा एक ब्लाउज है। तो हमने अभी जिसके बारे में बोल रहा था फ्रेंड, हमारा जो जब हम हाई वास्ट बोलेंगे, तो देखिए किसके हिसाब से चेंज हो रहा है बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा जो ब्लाउज है, तो क्या आ रहा है देखिए, ये 37 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आ रहा है। तो देखिए, हमारा अगर 32 होता, जैसे ही हम लोग हाई वास्ट इसी तरह मेजरमेंट लेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा वो कौन सा साइज है। आप लोग कभी इसे भी आप लोग बहुत लोग कैलकुलेट करते हैं, मगर इस जगह में क्या होता है फिर कैलकुलेशन जल्दी में करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस जगह में अगर हम लोग कैलकुलेशन करने जाए तो इसी तरह हमारा नॉर्मल वास्ट उठा उठा कर करना पड़ता है।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमेशा इस जो हाई वास्ट है इस जगह को हम लोग फॉलो करेंगे। इस जगह में किसी वजह से किसी का 30 यानी कि 18 हो रहा है इस जगह में, तो उनका साइज होगा 32। और जैसे ही इस जगह में 18 होगा तो नॉर्मल वास्ट होगा 38। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को अगर नॉर्मल बस्ट किस तरीका से पता मेजरमेंट लेते हैं आप लोगों को पता ना हो तो हमारा चैनल में आप सर्च कीजिए हाउ टू टेक मेजरमेंट नॉर्मल बस्ट, प्रशांत कर लिखिए, वो वीडियो आ जाएगा। तो इसी तरह ही कैलकुलेशन उसके बाद जो जिनका 36 होगा, जो अगर अच्छा फिगर हो तो उन लोगों के लिए 15 होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये होता है हमारा वेस्ट होता है। तो वेस्ट ये होता है नॉर्मल बस, जो हमारा क्रॉस पॉइंट बराबर जो मेजरमेंट लेते हैं वो जिसमें हमारा जो मैक्सिमम जो बास्ट होता है वो जगह में होता है हमारा नॉर्मल बस, और ऊपर में होता है ये हमारा हाई बस। और जो एलिट बराबर होता है, जो हमारा डबल कटोरी होता है, जो एलिट का ऊपर वाला पोजिशन होता है और एंड ऑफ बास्ट होता है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं लोअर बस्ट बोलते हैं। तो लोअर बस्ट का मेजरमेंट मैंने नहीं दिया है, तो वो क्या होता है, हमेशा जो वेस्ट होता है उससे 2 इंच ज़्यादा होता है। मानिए हमारा वेस्ट 30 है तो ये जो लोअर वेस्ट है वो 32 होना चाहिए, ये नॉर्मल मेजरमेंट है। तो शायद ये मेजरमेंट से रिलेटेड आप लोगों को सारे प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। और फिर ये हमारा नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड ये नया चैनल है हमारा, मैंने सोचा है इस चैनल में सिर्फ ब्लाउज का मैं कैटेगरी बनाऊंगा। ब्लाउज में जितना कुछ है डिज़ाइन वगैरह बेसिक फॉर्मूलाज सब कुछ इसमें रहेगा। तो फ्रेंड जल्दी कीजिए, इस चैनल को बहुत आगे ले जाइए और जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों को पता नहीं है इस चैनल के बारे में। तो हो सके आपका शेयर किसी का मदद हो जाए, और जो लोग ब्लाउज सीखना चाहते हैं और किसी वजह से पैसे की वजह से सीख नहीं पा रहा है तो उन लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड, आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।